हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कठपुतलीला एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अहम फैसले के बारे में जो विवाह से लेके आया है, मतलब आप जो मैरिज होती है उससे रिलेटेड आया है और बहुत अहम फैसला है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को शेयर भी करें, जिससे अदर लॉ स्टूडेंट्स और अदर जितने भी सिटीजन्स हैं उनको भी अपडेट मिले कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है वो मैरिज से रिलेटेड क्या आया है। और आप जो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या अहम फैसला आया है मैरिज को लेके। देखिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट का ये फैसला था, ठीक है, पहले ये जो केस था ये मद्रास हाई कोर्ट में गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो जो ये शादी से रिलेटेड है ये केस, जैसा कि जैसे अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है या अरेंज मैरिज, तो उसको क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स की जो हम लेते हैं परमिशंस लेते हैं, और भी मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो कंप्लीट करनी पड़ती है। पर इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया, हम उसी को देखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये मामला गया था, तो उन्होंने धारा 7A के अनुसार स्वय विवाह प्रणाली, मतलब जो लव मैरिज होती है या खुद से जो शादी करते हैं उसके बारे में कहा कि स्वय विवाह प्रणाली पर आधारित था। धारा 7A को तमिलनाडु संशोधन द्वारा, मतलब मद्रास हाई कोर्ट में जो ये पहले केस गया था, ठीक है, तो ये तमिलनाडु में संशोधन किया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल किया गया। इस धारा के अनुसार दो हिंदू अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बिना रीति रिवाजों का पालन किए या बिना किसी पुजारी के विवाह की घोषणा किए विवाह कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे ना तो किसी पुजारी की ज़रूरत है, ना ही किसी जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब जो सात फेरे ये जो हिंदू विवाह में बता रखा है, ठीक है, एक्ट के अंदर जो धारा 5 है, तो उसके जो भी बता रखे हैं कि रीति रिवाज का पालन होना चाहिए, पुजारी के द्वारा विवाह होना चाहिए, ऐसे कोई भी ज़रूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और जो कंप्लीट बताया कि विवाह है जो एक साधारण समारोह में पूरा किया जा सकता है, जिसमें विवाह के पक्षकारों को एक दूसरे को माला या अंगूठी पहनानी होगी, इनमें से कोई भी, यानी एक दूसरे को माला पहनाना या अंगुली में अंगूठी डालना, थाली बांधना, ठीक है, एक वैध विवाह को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है, इसके अलावा और कोई रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस एस रविंदर भट्ट, जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए सोमवार को फैसला सुना दिया था। पीठ ने किसी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा कि मतलब उससे ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कुछ अजनबियों की उपस्थिति में गोपनीयता से किया गया विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वैध नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पलट दिया और कहा कि जो बाल कृष्ण पांडियन बनाम पुलिस अधीक्षक 2014 का जो मामला था मद्रास हाई कोर्ट में, उसके फैसले को पलटा और कहा कि वकीलों के जरिए कराई जाने वाली शादी मान्य नहीं है, उसमें कहा था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह के इच्छुक जोड़े रिश्तेदार दोस्तों या अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं। विवाह में शामिल दोनों पक्षों को उनके समझने योग्य भाषा में, मतलब वो जो भी लैंग्वेज समझते हैं उनको वही भाषा में समझानी होगी, मतलब घोषणा करनी चाहिए कि घोषणा क्या होगी कि वो एक दूसरे को पति या पत्नी मानते हैं, ठीक है। तो ये केस था बालकृष्ण पांडियन बनाम पुलिस अधीक्षक का, जो मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। निष्कर्ष ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति वाले विवाह, मतलब सामान्यतः प्रेम विवाह के लिए सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा की जरूरत नहीं है। कोई भी जोड़ा एक दूसरे को माला पहनाकर अंगूठी पहनाने से साधारण समारोह के जरिए वकीलों के चैम्बर में शादी कर सकता है। हालांकि वकील अदालत के अधिकारी की पेशेवर हैसियत से नहीं, बल्कि जोड़े के मित्र, रिश्तेदार या सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7A के तहत विवाह करा सकते हैं। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।